साल 1991, ये वही साल था जब हमने राजीव गांधी को खो दिया। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली चल रही थी। इसी रैली के दौरान एक ऐसा विस्फोट हुआ और उस हमले में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे ने ली थी। राजीव गांधी, उन्होंने न सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरासत को संभाला था, बल्कि देश को एक ऊंची बुलंदियों पर ले जाने का भी काम किया था। उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। और ये वही साल था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सत्ता में आई थी और उनके कार्यकाल में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसके आज भी मायने हैं। और हम आज आज़ादी के 75 साल के साथ साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 31 साल भी मना रहे हैं, जिसने उस वक्त से लेकर आज तक भारत के लिए कई नए दरवाजे खोले।